नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितेश, आपका मेरे होम्योपैथिक चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फोड़ा, बाल तोड़, फुंसी, शरीर में किसी भी प्रकार के फोड़े हो उसके लिए कौन सी दवा होम्योपैथिक में यूज करेंगे, यह होता कैसे है, यह किस तरह का होता है। आइए दोस्तों, हम इस पे चर्चा करते हैं। फोड़ा शरीर के किसी भी अंगों पे हो सकता है। यह सामान्यतः लाल, छोटा, बड़ा, नुकीलेदार, बहुत दर्द वाला, बिना दर्द वाला, किसी तरह का भी हो सकता है। इसमें हम कौन सी होम्योपैथिक का उपयोग करेंगे, अगर फोड़े में पस बन गया हो, पस न भी बना हो, किसी तरह का भी फोड़ा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होम्योपैथिक में लेके आए हैं, जो आप इसका सेवन करेंगे 2 से 3 दिन में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कापी कलम उठाइए और उस दवा को लिखिए जिस दवा को हम बताते हैं। सैलिसिया 1 mg दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, जीभ पे 4 बूंद लेंगे। दूसरी दवा है मर्कसाल 30, सुबह, दोपहर, शाम और रात, दिन में 4 बार लेंगे। उसके 20 मिनट बाद आप बेलाडोना 30 दिन में 4 बार लेंगे, सुबह, दोपहर, शाम और रात। अगली दवा इसमें एक और दवा ऐड कर लेंगे, रस्टाक 30 दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम। आपको किसी भी प्रकार का फोड़ा हुआ हो, आप इस दवा का नियमित सेवन करेंगे, आप 3 से 4 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें परहेज क्या करना है, इसमें बचाव क्या करना है, जिस स्थान पे फोड़ा हुआ हो उसको नीम का पत्ता लेंगे, गर्म पानी में बॉयल करेंगे, उसी पानी से उसको धोएंगे और आप पूरी तरह से साफ करेंगे, ठीक हो जाएंगे। इसमें क्या खाएं, क्या न खाएं, सबसे पहले फाइबर युक्त सामान खाएं, जो भी चीज़ हो वो फाइबर युक्त हो, हमें सुपाच्य हो, हमें कब्ज न बनाए। दूसरा, इसमें मीठा चीज़ बिल्कुल नहीं खाएंगे, चीनी, गुड़, मिठाई, ऐसे चीज़ को बिल्कुल नहीं खाएंगे जो पस बनाए। और जिस प्रकार से हम दवा को बताए हैं उस दवा को खाएंगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।